After that refuel, हम रेडी हैं निकलने के लिए. तकरीबन कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम, 10-10 सेकेंड टाइम हो रहा है. तो और हम अपनी ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकल चुके. तकरीबन 100 किलोमीटर्स की राइड होगी. एंड इस 100 किलोमीटर्स की राइड का बेसिकली आज का एजेंडा ये है. मैंने अपनी बाइक पर एक मॉड है, तो वो मॉड मुझे टेस्ट करना. अरे भैया सिग्नल तोड़, वेरी गुड. तो धारावी में हमेशा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है. बेसिकली कंस्ट्रक्शन ही है. ओ फिक्सिंग द लैम्प पोस्ट. सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ बोरिवली. और बीइंग अ संडे, फिर भी आज यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. एंड पर इतनी गर्मी वगैरह नहीं है, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है. एंड ओके, दो बाइकर्स. वो अंकल का स्वैग लेवल इज़ अमेजिंग. छोटे छोटे गैप्स में से राइडर है अंकल हमारे, राइडर. I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm tucked down. Look. तो दोस्तों अभी बात करते हैं उस मॉड के बारे में जो मैंने अपनी पल्सर 200NS में किया है. तो बेसिकली दोस्तों मैंने ऐसा किया है कि मैंने इसके अंदर ड्यूक 200 का क्लच इंस्टॉल किया है. मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह देखे जहाँ पर जो 200NS के ओनर्स हैं उन लोगों ने अपनी बाइक्स में ड्यूक 200 का क्लच डाला था. बट देन आई गेट द पॉइंट दैट ड्यूक 200 इज़ अ फ्यूल इंजेक्टेड बाइक एंड बेसिकली इंजन लेआउट व्हाट आई फील इज़ द सेम एंड दैट इज़ व्हाई काफ़ी सारे लोगों का सक्सेसफुल हुआ है. बट जो मुझे अभी चीज़ इस दौरान महसूस हो रही है वो ये है कि गाड़ी तुरंत RPM नहीं पकड़ रही है. बेसिकली जो लो एंड ग्रंट था बाइक में पहले वो अभी बाइक को नहीं मिल पा रहा है. बेसिकली बाइक जो है हमारी तकरीबन 4000 RPM तक इट इज़ रेविंग सुपर हार्ड. बट देन पोस्ट 4000 RPM टू 7000 RPM जो ऑलमोस्ट हाईवे क्रूजिंग के लिए जो आइडियल स्पीड होती है वो स्पीड पर इट इज़ अ बिट हेजिटेंट एंड बहुत स्लगिश फील हो रही है. एंड सी नाउ एज यू कैन सी जैसे ही इट इज़ क्लाइंबिंग अप द रेव्स इट इज़ शूटिंग लाइक एनीथिंग. सो आई फील सो मुझे इस पर थोड़ा बेसिकली ज़्यादा कार्बोरेटर का एयर फ्यूल मिक्सचर सेट करना होगा और इसका बेसिकली एक बार एयर फिल्टर वगैरह क्लीनिंग करना होगा. और अगर फिर भी मेरा ये इशू सॉर्ट आउट नहीं आया तो आई फील मेरा नेक्स्ट मॉड होगा इरिडियम स्पार्क प्लग्स एंड पावर कॉर्ड्स. सो उसके बाद लेट्स सी. बट करेंटली अभी तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस परफॉर्मेंस से और मतलब अच्छी चल रही है बाइक. पर समवेयर आई फील जो टॉप एंड जूस होता है उसका वो कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और ये 4000 से 7000 RPM में कुछ ज़्यादा ही मुझे ये बाइक आज स्लगिश लग रही है. सो बेसिकली इस सॉर्ट ऑफ फेल हो गया है मॉड मेरा. सो लेट्स सी, एक काम कर दें. व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई विल गो बैक एंड आई विल इंस्टॉल ये बाइक का ओरिजिनल क्लच बैक अगेन. एंड एक बार जब IBW की राइड ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं बैठकर आराम से तसल्ली से ये एक्सपेरिमेंट पूरा करेंगे. Go.
अलग, बहुत सारे बग्स इसे चिपक चुके हैं एक्शन कैमरा पे भी और हेलमेट के वाइजर पे भी, बहुत सारे चिपक चुके हैं बग्स चिपक। अभी पेट पूजा सब करके हो गई है एंड इट्स टाइम टू गो बैक एंड बाय अहूरा, सी यू सून प्रॉबेबली, अगर ट्यूनिंग बराबर हो बाइक का तो लेट्स गो, इट्स टाइम टू राइड अगेन। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 11:40, मतलब और 20 मिनट में 12 बजने वाले हैं। आई थिंक सो नॉट बैड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यहाँ पर मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया और मैं एट अ स्ट्रेच मुंबई से चलकर ऑलमोस्ट यहाँ पर तलासरी बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर बेसिकली, यहाँ पर पहुँच गया और काफ़ी आराम से आया। मैं गाड़ी की बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्ट करता हुआ आया, ज़्यादा घाई में कुछ नहीं किया। बेसिकली यही मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है सोलो राइड की, दैट यू कैन गो एज़ पर योर विल, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन, आपको किसी की वेट वगैरह नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। गर्मी 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 बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई क्या होता है, बढ़ गई है गर्मी, बढ़ गई है। लेट अस राइड। अरे बाप रे, ट्रैफिक, ऊपर से गर्मी। ओके, इतनी भी ज़्यादा अभी फ़िलहाल गर्मी नहीं लग रही है, पर बीच में लग रही थी, अभी थोड़ी बेरेबल है, इतना ज़्यादा अभी गर्म नहीं है। बेसिकली द फैक्ट इज़ के गर्मी में बाइक चलाना इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर मी, बट सर्दी में या ठंडी वगैरह में बाइक चलाना इज़ मोर कम्फर्टेबल फॉर मी एज़ कम्पेयर टू गर्मी। सो अभी मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ यहाँ से, आई थिंक कि मुझे यहाँ पर कम ट्रैफिक मिलेगा। फाउंटेन से मैं यहाँ पर लेफ़्ट ले रहा हूँ सो दैट आई फील कि थाने में कम ट्रैफिक मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टेकिंग द वेस्टर्न लाइन टू माई होम बैक। सो फाइनली होम स्वीट होम। और अब समय हो रहा है, पता नहीं कितना समय हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि जल्दी आ गए हम। बेसिकली मैं अभी भी नॉन स्टॉप ही आया, लेट्स सी। एकदम चंपू लग रहा हूँ। सो रीच्ड होम सेफली। परफॉर्मेंस मोड तो 90% सक्सेसफुल आई मस्ट से, बट देन आई हैव टू ट्यून द फ्यूल एयर मिक्सचर। बेसिकली राइड का मेन एजेंडा यही था टू गिव दिस बाइक अ थरो रन, एंड अभी तक तो सब सक्सेसफुल था। सो दैट्स इट, I'm gonna end the vlog right here. And if you like this video, make sure to give it a big thumbs up. और अगर नहीं अच्छा लगा तो थोड़ी देर रुकिए, और भी vlogs in process हैं, और subscription तो यार बनता ही है। So until the next one, this is Vinay signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one. Bye bye. वैसे यार लॉन्ग राइड पर जाने का नतीजा देखो, हाथ पूरे काले 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 काले।